नमस्कार, मैं हूं अंकिता और स्वागत करती हूं आपका रास कला मंच के 12वें चलो थिएटर फेस्टिवल में। बातचीत की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं दीपा महारण, जो पाइट कॉलेज की स्टूडेंट हैं। हेलो दीपा। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक हूं, और आप? मैं भी बढ़िया। दीपा, जैसे कि थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, 5वां दिन है, आज आपने नाटक देखा स्लो पॉइजन, तो कैसा एक्सपीरियंस है? जैसे कि कॉन्सर्ट होते होंगे या और सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, पर ये थिएटर फेस्टिवल है, तो पहले आपने कभी थिएटर फेस्टिवल देखा है? नहीं मैम, आज फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, बैक स्टेज भी कर रहे हो, वॉलंटियर्स के तौर पे हो, तो हमें आप बातचीत करते हुए भी देख रहे हैं, परफॉर्म करते हुए भी देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और सीखने को भी मिलता है ऐसे कि आप सब इतने काम करते हो फिर भी मतलब जॉइंट है ऐसे, तो अच्छा लगता है। दीपा, हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दीपा महारान है, मैं नेपाल से हूँ, मैं BBA कोर्स कर रही हूँ। आप नेपाल से हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम है? BBA। BBA, अच्छा, तो आप जैसे कि एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, थिएटर देख रहे हैं, तो कभी ऐसा जैसे फेस्टिवल चल रहा है तो मन हुआ, अरे यार मुझे भी होना हाँ। चाहिए यहाँ पे, ऐसा हो रहा है? हाँ, हो रहा था। क्या लगता है आपको, जैसे थिएटर है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी जैसा कि आपने कहा, तो आपको लगता है कि इसको जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सारे, तो थिएटर को भी होना चाहिए? हाँ मैम, होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सीखने की वो चाह होती है जो पूरी नहीं हो पाती कभी, तो होनी चाहिए ऐसे। अच्छा, आपका कोई ऐसा, आपके अंदर क्या ऐसा है कि मुझे डांस अच्छा लगता मुझे है? डांस ही अच्छा लगता है। अच्छा, स्पेसिफिक कोई फॉर्म? हाँ, मुझे बचपन से ही डांस ही पसंद था, हाँ, मैं करती भी थी, फिर ऐसा हुआ कि छोड़ना पड़ा पढ़ाई के लिए। मतलब डांस छोड़ना क्यों पड़ा? मतलब ऐसे नॉर्मल करती हूँ कि मुझे पर आगे भी बढ़ना था ऐसे, अच्छा तो नॉर्मल तो हाँ कॉलेज स्कूल में तो होता है। अच्छा तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, हाँ तो कैसा है कॉलेज का कैंपस? अब नेपाल से आए हैं, ठीक है, और यहाँ एकदम से पानीपत, समाल खा, तो बहुत चेंज है, ठीक है, तो क्या फील करते हो? हाँ, अच्छा लगता है ऐसे। मतलब हिंदी बोलना हार्ड होता है, फिर भी मतलब सीख चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? अच्छा है। तो आप कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे? थिएटर बहुत अच्छा था और बहुत जी अच्छा लगा, आज का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ड्रग्स के बारे में था, ये वो कैसे होते हैं, तो बच्चे ने बहुत कुछ सीखा, हमने भी कि कैसे होते हैं। जैसा आपने कहा ड्रग्स के बारे में था, तो आपको लगता है कि युवाओं युवाओं में इस तरह का जो एक अट्रैक्शन है, ठीक है, ड्रग्स को लेके, वो ज़्यादा है, बहुत ही। तो आपके वहाँ नेपाल में, मतलब नेपाल में भी ऐसा है, हाँ है। ऐसे ही लोग हैं? हाँ। तो मतलब आप एक ऐसी बात जो आप कहना चाहें, मतलब ये वीडियो और लोग भी देखेंगे सुनेंगे, तो आप मैसेज देना चाहें लोगों को? ये तो गलत चीज है, तो इंसान को खुद भी पता होना चाहिए कि क्या करे, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। आजकल तो ज्यादा ही पता होता है, जी फिर जी भी जान के ही गलती करते हैं। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप थिएटर फेस्टिवल में आप एज वॉलंटियर काम कर हाँ रहे हो? बताया था, तो मम्मी ने बोला कि अच्छा काम कर रही है, कर, तो काम करना चाहिए इंसान को, जहाँ पे भी मिले तो आगे रहे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच दीपा, हमसे जुड़ने के वेलकम लिए, मैम। हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। वेलकम।